हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और बारिश हो रही है पीछे, तो अगर थोड़ा बहुत नॉइज या तुम्हें लगे तो मिस कर देना उसको। बट कॉन्सिस्टेंसी किंग इज बैक, मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं इतने दिनों से लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। आज तो मेरे को नींद भी आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट मूवी देखने का मन नहीं था। आज सोच रहा था कि इस काम को कल करते हैं, नींद पूरी करते हैं आज के, आज छुट्टी करिए तो आराम से सोएंगे। बट मैंने कहा नहीं, कॉन्सिस्टेंसी स्ट्रीक ये जो भी है ये नहीं तोड़ूंगा मैं। कॉन्सिस्टेंसी चलती रहनी चाहिए और स्ट्रीक भी रुकनी नहीं चाहिए, टूटने नहीं देनी स्ट्रीक, जैसे वर्जिनिटी नहीं तोड़ रहा हूँ। तो आज जिस मूवी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ, यहाँ वर्स्ट लिखा है और वो है, उसका नाम है द रियल जैकपॉट टू इंद्रजीत। मतलब रियल मूवी का नाम इंद्रजीत है, बट हिंदी डब में इसका नाम है द रियल जैकपॉट टू। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस मूवी पर क्लिक इसलिए किया, यूट्यूब पर फ्री थी, ये नहीं मेन रीज़न, ये नहीं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ हैं यूट्यूब पर फ्री। बट दूसरा ये था कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, जिसकी लेगेसी ये फॉलो करने की सोचती है, द रियल जैकपॉट, वो मैंने देख रखी थी। उसमें तापसी पन्नू है और वो अच्छी मूवी है, मेरे को अच्छी लगी थी उस टाइम भी। बट ये जो है वो सीधी सस्ती कॉपी है इंडियाना जोन्स की, मतलब कॉपी करने की भी कॉपी कर रहे हैं ये। इतना मतलब अजीब लगता है ना कि भाई इतना पैसा देखो प्रोड्यूसर ने पैसा फूका होगा, उसको जब बताया होगा डायरेक्टर ने विजन के इंडियाना जोन्स देखिए सर आपने, वही बनाने जा रहे हैं। बट जो इतना लूप होल है, मतलब अगर कोई चैनल मिस्टेक्स निकालता है ना मूवीज के अंदर जो पिक करता है, ये वीडियो उसके लिए अमृत है। इतनी मिस्टेक मिलेंगी तुम्हें, हर दूसरे शॉट में एक मिस्टेक मिल जाएगी, इसलिए भाई ये देखो और अपनी मिस्टेक्स की वीडियो को बढ़ाओ। तो जैसे कि तुम्हें नाम से समझ आ रहा है, इंद्रजीत जो हमारा मेन लीड है इस पूरी मूवी का, वो एक बहुत समझदार इंसान है और वो रिसर्च के लिए आया हुआ है गोवा अपने अंकल के पास, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर से, एक्स डायरेक्टर से रिसर्च करवा रहे हैं एक टॉपिक पे, जिससे मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही तरक्की हो सकती है, और उसी तरक्की के लिए बुलाया है इसको एज ए इंटर्न। और जो इंद्रजीत है, उसने अपने दिमाग की जो घोड़े दौड़ा रखे हैं, उसमें से सबसे पहला डायलॉग वो देता है जब उससे साइंटिस्ट पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों अपनी टीम में लूँ, तो वो कहता कि हीरे को उसकी कीमत नहीं पता होती है, जौहरी को पता होती है हीरे की कीमत। तो अच्छा डायलॉग था, वहाँ से मूवी अच्छी हो सकती थी, बट नहीं, यही हिपोक्रेसी है, क्या करूँगा मैं भाई साहब। ये जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं बिल्कुल ही नशे में, अगर कोई भी अच्छे से देख रहा होता मूवी सेट्स पे ये क्या बना रहे हैं, तो उन्हें पता चल जाता कि ये इंडियाना जोन्स का हगा हुआ माल से भी बेकार है। मतलब मेरे हिसाब से ना, हम लोग कॉपी करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए ये चीज़ें खराब होती हैं। और कोई ये नहीं कहेगा कि साउथ में कॉपी अच्छी होती है, साउथ में और भी बकवास होती है। 2016 की मूवी है इसलिए मैं थोड़ी लिबर्टी दे रहा हूँ कि चलो ठीक है, पर नॉट गुड। और जो रोमांस है इस मूवी का, वो सीधा डायरेक्टर ने कॉपी पेस्ट करा है, वो एक दिन पहले नशे में होगा और वो अलग ही गलियों में निकल गया होगा मूवीज़ की, और उसमें से उसने देखी होगी द गर्ल नेक्स्ट डोर। अगर तुम्हें पता नहीं है एक क्या चिरैया का नाम है, तो कृपया इसको सर्च मत करें, और देखें तो बिल्कुल ना, अगर देखेंगे तो फिर आप मेरे को अलग दर्जे का वो इज्जत दे देंगे, तो मत देना। पर हाँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है जो लीड और फीमेल लीड और मेल लीड के बीच में, वो तुम्हें समझ आ जाएगा कहाँ से उठाया। तो मूवी में सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, जो मेडिसिन की वो खोज कर रहे थे उसकी सही में ज़रूरत पड़ने वाली थी इन फ्यूचर, तो हाँ प्रेडिक्ट कर दिया था उन्होंने फ्यूचर, बट बड़े गंदे तरीके से, और उस दवाई का कुछ हुआ भी नहीं। और इस मूवी की सबसे बड़ी जो खराबी है वो ये है कि स्क्रीन प्ले जैसा लिखा है बहुत ख़राब लिखा है। उस कैरेक्टर को ना उन्होंने लिखा है कि फन वाइब में है, और वो हमेशा ही फन वाइब में, सीरियस उसमें भी फन वाइब में रहता है, ठीक है, बट इतना चोमू कैसे है। उसने ना एक फेक मैप बना रखा था, तो वो वहाँ जाके फेक मैप दे सकता ना, बट उसने क्या किया, असली मैप का नकली जासा, उसके बाद फिर उसके पीछे पड़े लोग, तो उसने वो मैप उड़ा दिया। ये प्लॉट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं जहाँ से, वहाँ से मैप उड़ गया। भाई क्यों इतना दिमाग, पहली बात तो कौन लगा रहा है कि ये जो शीशा टूटा है पिछली खिड़की का, यहाँ पर एक्टर का हाथ होगा, और ये जो हाथ में से कागज़ छूट के उड़ते हुए 50 मीटर दूर जाएगा, वो गाड़ी होगी दूसरी टीम की। वाह 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 वाह, क्या सोचा सल्यूट। और तुम्हें इंद्रजीत की स्मार्टनेस का ऐसे अंदाज़ा पड़ सकता है कि वो बात करते करते सॉल्व कर देता है चीज़ों की, जैसे उन्हें मैप का नहीं पता था कि मैप कहाँ मिलेगा खजाने का, तो उन्होंने तरकीब निकाली ऐसी बात करते करते, अरे डायरेक्टर सर आपने अभी तो बोल दिया आंसर, हाँ वो डफन है मैप। हाँ मैं पहली बार दुखी हुआ हूँ यार मूवी देख के, बताओ इसीलिए वर्ष लिखा है। पता मैं इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ मूवीज, मेरे को ऐसा नहीं होता कि मैं पिक कर रहा हूँ गलतियाँ क्या क्या,
मैं बहुत चीज़ें इग्नोर कर देता हूँ जब मैं मूवी देख रहा होता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरा एक्सपीरियंस ख़राब करे। बट अगर मूवी ही ख़राब हो तो एक्सपीरियंस तो ख़राब हो गई। और मुझे बताओ, जब लीड बात करते करते सॉल्व कर सकता है कि मैप कहाँ है? एक्स ASI डायरेक्टर ने नहीं सॉल्व करवाया, जो सही निकाला ASI डायरेक्टर को उसकी पोस्ट से, क्योंकि वो काम का था नहीं। अब समझ आ गया था लोगों के, ASI वालों ने सोचा कि नहीं, ये आर्कोलॉजिस्ट तो नहीं बन सकता, ये कोई चूतिया पजल सॉल्व कर सकता, बट नहीं, ये नहीं करने देंगे इसको। और बड़ी ही सच्चाई के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, ये अपनी फर्स्ट मूवी की जो लेगेसी है उसको बर्बाद कर देती है बहुत अच्छे तरीके से। द रियल जैकपॉट उसको ये बहुत अच्छे से बर्बाद करती है, और बिल्कुल संकोच भी नहीं करती जब बर्बाद हो रही होती मूवी। और जैसे कि मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि कार चेजिंग सीन बहुत ही इलॉजिकल था, बट था, क्या कर सकते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थी इस पूरी मूवी में। मुझे लग रहा है जब इन्होंने देखा होगा कि ये जो लीड है इसको हमें लॉन्च करना है, या कुछ ऐसा हो अगर तो कुछ भी बनाते हैं, या कुछ कल्ट बनाने की सोचा होगा, कल्ट को उठाते हैं, कल्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, क्या पता अच्छा निकले, बट ऐसा हुआ नहीं। सो सैड। तो मूवी के प्रोड्यूसर के पास पैसा कम पड़ रहा था, तो उसने समझ लिया था कि पोटेंशियल इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इन्हें हांगकॉन्ग भेज सकें, तो उसने लोकेशन को चेंज कर दिया कॉन्ग की जगह, हाँ ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पता ही इन लोगों को भेजने लायक नहीं है कि हांगकॉन्ग भेजूँ मैं शूटिंग के लिए, इसलिए उसने कहा कि हांगकॉन्ग में जाओ और शूटिंग करके वापस आओ। और मुझे ये समझ नहीं आता, तुम्हारे पास बजट नहीं था, तुम्हें इतना पता है, बट तुम्हें सब VFX जनरेटेड क्यों रखना है? तुमने जितने भी एनिमल्स रखे, सिर्फ लास्ट के वो सांप छोड़ के सब बेकार था, सब टट्टी। जो सबसे ज़्यादा मूवी स्क्रीन पे दिखाया है, जो एनिमल दिखाया है, वो है कुत्ता, ठीक है, वो इतना ख़राब बनाया है इन लोगों ने, उस बहुत ही बेकार VFX यूज़ किया है, ठीक है। वो जो शॉट है ना, एनिमेटेड शॉट, वो बहुत तगड़े हैं, वो उस पर मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो बहुत अच्छी चीज़ है पूरी मूवी की। और मैं बहुत सच्चाई के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सस्ती इंडियाना जोन्स बनने की कोशिश करती है, बट ये उसमें भी बहुत मुंह के बल गिरती है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार मूवी है, इंडियाना जोन्स के लेवल की बिल्कुल नहीं है। बट एज अ एक्शन एडवेंचर मैंने नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा विटनेस कर पाऊंगा। सो थैंक यू जिसने भी ये बनाया है, ये करिश्मा, ये मुजस्समा काश ना बनता। और जो क्लाइमेक्स फाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा ईजिली अवॉइडेबल थी। क्या लूप होल है वो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज़ है जिसके पीछे ये पूरी मूवी भाग रहे हैं, एक पत्थर, ठीक है, मणि कहते हैं, मणि कहते हैं उसको, ठीक है। जब मणि ढूंढने लीड जाता तो उसे पता चलता था कि यहाँ पे एक खुफिया खराब या दूसरी मणि भी है, तो वो उसको दे देता शुरुआत में, जब वो वापस आता है तो वो दूसरी मणि दे देता। तो क्या इतना दिमाग जो है उसमें लीड में, जो शुरुआत से हमें दिखा रहे थे, वो यूज़ नहीं होता? उसने असली मणि दे दी, उसके बाद वो चेजिंग सीक्वेंस चला, फिर भाई साहब ने वही किया जो मैंने अभी बोला है, वो कोई और तीसरी पार्टी आती है बीच में तो वो उसको नकली मणि दे देता है, भाई साहब यार। और लास्ट में बहुत ही प्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्टेबल होता ना, टॉप का प्रिडिक्टेबल, जो हम सोचे थे प्लॉट ट्विस्ट, जो एक्स ASI ऑफिसर है वो ही असली बेकार इंसान है, बैड ह्यूमन है, यू आर बैड ह्यूमन है। मैं आज समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे बात करूँ इस मूवी के लिए, मैंने इतना कुछ यार। तो हाँ, असलियत में दिखाया जाता है कि वही बैड कॉप या बैड पुलिस या बैड इंसान या बैड तस्करी करने वाला है वही है, और जो इसके मामा है, इस हिसाब से उसके मामा भी बैड हो गए, तो इसके हिसाब से ये भी बैड कंपनी में था। बट इसने जब शुरुआत में बातचीत कर ली थी किससे, कपिल शर्मा से, तो उसने हंसा हंसा के जो कैसे सुनाए कि ये उसकी टीम में हो गया था। हाँ, तो इसीलिए इंद्रजीत लास्ट में मनी दे देता है, मेडिसिन की मनी दे देता है कपिल शर्मा को, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा लाफ्टर इज़ दी बेस्ट मेडिसिन। तो हाँ, इस मूवी का रिव्यू यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़र से दुरुस्त रहना, और अपनी नज़रों को इस मूवी से दूर रखना। नहीं चाह अगर तुम्हें मूवी देखनी है तो द गर्ल नेक्स्ट डोर देख लेना आप पर। हाँ, उसके लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, तुम्हें 18 से ऊपर होना ज़रूरी है, अगर नहीं हो तो हो जाओ, उसके बाद देख लेना। और हाँ, कमल तू मत देख लो, तेरे को मैं पहले पर्सनली बोल रहा हूँ।